नारायणपुरा रोड स्थित बागेश्वरी फैक्ट्री में जब्त की गई 40 किलो पॉलिथीन नगर पालिका द्वारा एडीएम की उपस्थिति में कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर नष्ट किया गया। साथ ही नगर पालिका को एडीएम द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाकी जो पॉलिथीन है उसको भी वहां से उठाकर नष्ट किया जाए। अभी विगत लगभग 3 दिन पूर्व बागेश्वरी प्लास्टिक फैक्ट्री से तहसीलदार और नगरपालिका की टीम के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया था। जो सुरक्षित मात्रा में जब्त की गई थी वो लगभग 40 किलो थी। आज इसको यहाँ पर गड्ढा खोद करके जो पर्यावरणीय मानक हैं उसके अनुसार यहाँ पर ज़मीन में गाड़ा गया है। अभी इस आशय की सूचना और मिली है कि वहाँ लगभग 200 किलो इस प्रकार की पॉलीथीन और है जो कि कटी फटी अवस्था में, जो कि बाद में रिसाइकिल होकर के पुनः यूज हो सकती है। तो एक स्पेशल टीम अभी तत्काल में नगर पालिका की भेजी जा रही है, उसको भी उठवा करके सायंकाल तक यहाँ पर गड्ढा खोद करके दफन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका की टीम को इसलिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ जा करके, चूँकि भवन अनुज्ञा उसके पास नहीं है, भवन का जो मद है व्यवसायिक उसमें डाइवर्सन नहीं कराया गया है, तो 1 से 2 दिनों में हमारी ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी कि कंपाउंडिंग करके उस पर कितना जुर्माना हो सकता है। और डाइवर्सन के मामले में भी आज शाम तक SDM इस पर नोटिस जारी करके जुर्माना अधिरोपित करें। थैंक यू। अभी लगभग 40 किलो पॉलीथीन का यहाँ विनिष्टीकरण किया गया है। थैंक यू।